अस्सलाम वालेकुम। तो खान बाबा गैंग व्लॉग, एक नए व्लॉग, एक नई सुबह, एक नई तरीके से हाजिर है, पर चेहरा वही। तो ये तो मेरा जिगर जान है, तो अब इसको छोड़ें, आप भी मेरे जिगर जान है। तो आज हम जा रहे हैं स्वात, हम स्वात जा रहे हैं। मेरा भाई गाँव है और वहाँ मेरा इतने चाहने वाले, इतने प्यार करने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले हैं। ये मैं आसम भाई को दिखाऊँगा, ये जलता है मुझसे ना, इसको मैं दिखाऊँगा कि कैसे प्यार करते हैं। ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह मुझसे वो प्यार करते हैं। तो इंशाल्लाह स्वात जाएंगे, आपको वहाँ दिखाएंगे। अब व्लॉग इंटरेस्टिंग होने लगा, अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाएंगे। हम यहाँ डेवा गड्ढे में पहुँच गए, 10:30 बजे हमारी ट्रेन है, ट्रेन कहना बस है, बस की टिकट है। हाँ जी, वो ट्रेन में बैठ बैठ के अभी भी ट्रेन में से लग रहा है जैसे घोड़े बैठे हैं, चल रहे हैं। तो अभी वहाँ जाएंगे, तो फिलहाल हम यहाँ से जब स्वात जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे वहाँ इंटरटेनमेंट करते हैं। वहाँ अनलिमिटेड फूड होगा, क्योंकि फूड हम वहाँ इतनी मेहमानबाजी होती है ना, और हमें पिछाड़ में माफ़ी नहीं दी। बहुत KFC, बिरयानी शिरयानी, कौरमे बहुत खाया पिया। आसम भाई ने तो बहुत, आसम भाई नहीं खाते, ये मैंने आसम भाई की तारीफ सुनी है। आसम भाई कहता मैं नहीं खाता। तो चलते भी हम, बस हमारी रेडी आ जाए। आसम भाई आप नहीं जाना, जाना आपने क्यों नहीं जाना? बस की तो ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी, वो दरवाजे बंद है। कोई नहीं, अभी जब आसम भाई इतने बड़े व्लॉगर यूट्यूबर जाएंगे तो दरवाजे खोल लेंगे। आसम भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो अभी हम चलते हैं, बस ये सामने खड़ी हमारी, तो इस बस में अभी जब ओपन होगी तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी 10-15 मिनट का स्टे है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ओपनिंग होगी। तो जैसे ही जाएंगे, ये भाई भी मरसद आ गए हैं, ये भाई भी ज्वाइन कर लिया है। चले, ये भाई भी स्वात जा रहे हैं, तो घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहा हूं। अच्छा, माशाल्लाह जा रहा हूं स्वात, कलाम, यानी टोटल प्लान किया है। चले, लाहौर से हमारे साथ एक खान भाई मिल गए थे और यहां से हमारे साथ एक और भाई मिल गया है। लाहौर का सफर भी इंटरेस्टिंग हुआ था और अब स्वात का सफर ठीक है इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे, अभी हम आगे जाएंगे तो आपको स्वाद भी दिखाएंगे, स्वाद में कैसा व्लॉग होता है, कैसा नहीं था। पर ये को मैं बता दिया, दिल थाम के रखे हैं, अब इंटरेस्टिंग व्लॉग होने लगे हैं जी। तो स्वाद जाते हुए आप देख सकते हैं गाड़ी में हम टनल से गुजर रहे हैं, टनल से गुजर के अब जो है ना लास्ट ये टनल है, पहाड़ी इलाका। ये देखें, ये पहाड़ है सारे, ये देखें सारे पहाड़ हैं, और ये पहाड़ों में से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है टनल। और ये हम टनल से टनल सबसे लॉन्ग टनल है, ये लास्ट और फोर्थ टनल है, सबसे लंबा टनल है ये। सलमान भाई हम टनल से गुजर रहे हैं, इसमें इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है आपकी? ये राय ये कि मोटरवे जो बना है ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पहले मैं तो स्वात ट्रैवल करता रहता हूँ, तो स्वात जो ट्रैवल करते थे हम 8 घंटे का ट्रैवल होता था पहले। अब ये टनल बन जाने से, ये मोटरवे बनने की वजह से, सी पैक की वजह से जो है 2 घंटे कम हो गए, तो ये हमारी वहाँ के लिए अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी। और ये खूबसूरती, इससे खूबसूरती बढ़ी है, स्वाद की खूबसूरती से बढ़ी है, तो जो स्वाद मोटर का बहुत अच्छा और खूबसूरत हो गया। राशिद साहब अपने फर्स्ट टाइम देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत कंफर्टेबल रास्ता बनाया हुआ है, और जो है ना आसानी के लिए, ताकि रास्ता आसान भी हो और किसी किस्म की कोई दुश्वारी वगैरह ना हो आने जाने के लिए, तो बहुत अच्छा जो है ना तरीके का ऐसा रास्ता हो, ऊपर से ड्राई फ्रूट हो, काजू बादाम खा रहे हो, तो फिर तो मज़ा और आता है, मज़ा और आता है। चलिए जी, इंशाल्लाह सफ़र का मज़ा दोबारा हो जाता है। टनल वगैरह आपने देख लिए, तो टनल वगैरह देखने के बाद अब हम सफ़र मुकम्मल हुआ है, अभी स्वात पहुंच गए हैं बहुत सेफली अल्हम्दुलिल्लाह, पहुंच गए, उसको सर्विस वगैरह कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो अभी घर जा कर रेस्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत आ रहा है क्या नहीं। भी तो फिलहाल रश्का करके घर चलते हैं जी। तो रात को हम पहुँच गए थे, दोपहर को बल्कि पहुँच गए हम, तो फिर रेस्ट वगैरह करके कपड़े शपड़े चेंज वगैरह करके, और आसम भाई फुल बर्गर बॉय ट्रो शर्ट में, तो आए हम। फिर हमने रात को कज़न वगैरह से, अपनी फैमिली वगैरह से मिले दिले, तो उनसे फिर खाबे शाबे खा के, तो हमने व्लॉग एंड नहीं किया। अभी हमने कहा व्लॉग एंड करते हैं। अभी हम यहाँ आए तारीखी इमारतों तो पे खंडरात स्वात के, जो आप देख सकते हैं पीछे खंडरात, ये सारे खंडरात है पीछे, तो ये पुराने ज़माने खंडरात, इसके ऊपर मैं खुद खंडरात के ऊपर ही खड़ा हूँ। तो ये खंडरात की तारीख जो है बहुत ही पुरानी है, कदीम है। और आसम भाई आपने देखा अभी फर्स्ट टाइम, ये आपको फर्स्ट टाइम है कि मैंने पहले भी देखे हैं कदीमी के? ये स्वात फर्स्ट टाइम है, कदीमी भी आपने फर्स्ट टाइम देखा? हाँ जी सही। अल्हम्दुलिल्लाह खान बाबा के वालिद साहब भी आ गए हैं, हीरो हमारे, तो वो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ अगले व्लॉग में हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि अभी वो रेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा चलो आप रेस्ट वगैरह करें। अभी हम सारा एक्सप्लोर करेंगे। अब ये देखिए ज़रा इस तरफ से,
ये सारा बहुत ही पुराना खंडर, खंडरात के साथ साथ इसका व्यू इसलिए बढ़ रहा है कि आसा साहब ये सामने दरख्त वगैरह देखे, ये देखे और ये पहाड़, ये इसकी खूबसूरती इसलिए बढ़ रही है। ये हालांकि मांझीदड़ो में भी हैं खंडरात वगैरह, मांझीदड़ो में भी हैं, हाँ जी। और ये सारी वादी वगैरह ऊपर तक बहुत ही आसम भाई, कल रात को जब हम पहुंचे तो पहाड़ों पे लाइट शाइट देखे, आसम भाई कहते ताड़े हैं, पर मैं आसम भाई को बताया कि नहीं ये तो घर है। फिर आसम भाई को मैं ऊपर ले गया था, वो ऊपर आसम भाई कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, वो वाला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे वो रात को था लेकिन अभी सुबह आए हैं तो फिर देखते हैं क्या सीन है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे ही था जैसे आसमान पे तारे जम गए। अब यहाँ हम थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ आपको मैंने दिखा दी खंडरात वगैरह, थोड़ी सी फोटोग्राफी करके वगैरह फिर आपको दिखाते हैं और कुछ इसका अखरा तख्ता दिखाते हैं। टिकट वगैरह हमने ली है 50 रुपये की, ये देखें गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। और एक अलग बात है इसमें कि आपकी फ़ोटोग्राफी के पैसे भी अलग हैं टिकट के वगैरह, और आपका अपना कैमरा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी। और यहाँ शूज़ भी सेम सेम आसम भाई के हमारे, और कपड़े भी सेम सेम माशाल्लाह, तस्वीरें में अभी दिखाएँगे आपको। फ़ोटोग्राफी करने के बाद और व्यू देखने बाद, खंडरात देखने के बाद, अब हमने पूरा विज़िट कर लिया है। और ये हमारे साथ प्रोफेसर नासर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये गदानशी हैं, क्या नाम है, बाबा कुड़ी पीर, टेढ़ पीर, सिर पीर, सिर पीर, ये किसी भी गदानशी हैं, किसी भी किस्म का सर दर्द हो, टेढ़ पीर हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनसे आगे दम करवा सकते हैं। और काम त्रीन आशिक जो कामयाब ना होता हो वो इसके बाद आ जाए, हाँ जी, क्योंकि ये खुद नाकाम है, हाँ जी, इश्क में नाकाम है। और इन्होंने हमें साथ ज्वाइन किया है और अभी हम यहाँ व्लॉग एंड करेंगे और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त अल्लाह ने के बाद।